स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए बहुत ही मजाकिया चीज हो चुका है। एक वीडियो मैंने डाला था 9/11 के बारे में और यूट्यूब के साथ ये अच्छा नहीं लगा, तो वीडियो में व्यूज ठीक ही आ रहे थे, लगभग 100 पार कर चुका था और यूट्यूब ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। हुआ कुछ ऐसा कि उसमें कुछ ऐसे, मतलब मैं नहीं जानता हूँ कि यूट्यूब को इसमें क्या वॉयलेंस लगा सीधा उन्होंने, या मतलब कहने का तो नहीं चाहिए लेकिन उन्हें क्या इसमें गलत लगा नहीं पता। जब आपका वो वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी है, जब इससे भी बहुत ही खराब कंटेंट जो है अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स बना के डाल रहे हैं, आप उसको डिलीट नहीं कर रहे हैं, उन वीडियो को डिलीट नहीं कर रहे हैं जिसमें 100,000 गालियां होती हैं, आप ऐसे वीडियो को डिलीट कर रहे हैं जिससे पूरा दुनिया, जिससे हमारे स्टूडेंट्स अवगत होंगे, जानेंगे, कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा, आप उन वीडियो को वॉयलेंस कर दे रहे हैं। किड्स के लिए उसमें क्या गलत था? क्या कहीं पर किसी इंसान का सर काटा जा रहा था या कहीं पर किसी को मारा जा रहा था? जो घटनाएं हुई थी बस उसका जिक्र था। तो मैं YouTube वालों से तो ये बोलूंगा, अगर YouTube इंडिया है या YouTube US है तो उनसे ये आग्रह करूंगा कि प्लीज वीडियो आप रिटर्न कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो वीडियो देखिए कोई वॉयलेंस फैलाने के लिए नहीं था, बस शिक्षा के आधार पर उस वीडियो को बनाया गया था। और आप अगर एक छोटे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा करिएगा तो हम लोग नए कंटेंट कैसे डालेंगे, हम लोग विश्व को कैसे जानकारी देंगे, लोगों को कैसे जानकारी देंगे कि इस तरह के कुछ घटनाएं हुई थी। आज की पीढ़ी को इन जानकारी की जरूरत है, ना कि वो गालियों की जो 100 आदमी यूट्यूब पे अपना व्यूज बढ़ाने के लिए देते हैं, जो कमर के नीचे और कमर के ऊपर का बात करते हैं उनका वीडियोज को आप ही कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, उनके वीडियोस को मोनेटाइज कर देते हैं, लेकिन जो वीडियोस बच्चों का जीवन बनाएंगे उन्हें आप मोनेटाइज नहीं करते हैं। तो यूट्यूब आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये आपकी सोच है, अगर ये गलत है तो उन वीडियोस को भी डिलीट करिए जिसमें गलत बातें कही जाती है, गलत बातें बोली जाती है, जिनमें अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। तो मैं आग्रह करता हूं कि इस वीडियोस को आप डिलीट ना करें, ये शिक्षा के लिए, बस शिक्षा पर्पस के लिए बनाया जाता है और इसका कोई अलग मुद्दा नहीं है। इस वीडियोस को देख के कोई भी बच्चा हथियार ना उठाएगा, बस उन्हें यह शिक्षा मिलेगी कि हाँ ऐसी घटनाएं हुई थी और ऐसा तरीके से यहाँ पर युद्ध चलता है, गृह युद्ध चलता है, महायुद्ध चलता है, विश्व युद्ध चलता है। तो ये बस शिक्षा के नजरिए से देखिए, ये और कोई वॉयलेंस फैलाने के लिए नहीं है। चलाइए ना आप जिन पर चलाना है, और दूसरे चैनल्स पे स्ट्राइक लगाइए जो इसको ये करते हैं कंटेंट को, जो मन सो कंटेंट डालते हैं, जो गलत गलत फोटोज का यूज करके, गलत गलत बातों का यूज करके अपनी और युवाओं को बुलाते हैं, भड़काते हैं। बहुत ऐसे वीडियोज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उन चैनल्स का, बहुत ऐसे चैनल्स हैं, आप देख लीजिए। आपको जब इतना ही मोनेटाइज करना, इतना ही ज्यादा टाइट करना है तो आप उन पर भी कानून चलाइए ना। एक ही वीडियो पर क्यों आपने तुरंत ही उसको, 2 दिन भी नहीं हुआ 24 घंटा के अंदर उस वीडियो को आपने डिलीट कर दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को वापस अगर कर दे तो ठीक है, क्योंकि देखिए वो शिक्षा के लिए ही था, उसका कोई और पर्पस नहीं था। जो सही घटनाएं हुई, मैंने जो अमेरिका ने किया, जितनी अच्छी कार्रवाई की अमेरिका ने, जिस तरह की भी कार्रवाई की उसके बारे में था, अमेरिकन लोगों को जो दिक्कत हुआ उसकी कार्रवाई थी, इससे किसी का छवि बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, जो आतंकवादी ने किया उसको मार दिया गया, उसको मारा गया और उससे बदला नहीं गया, तो इसमें मैंने तो अमेरिका का अच्छा ही बात बोला ना, और लोगों को भी शिक्षा मिला कि नहीं इस तरह का घटना हुआ था जिसमें अमेरिका ने खुल के समर्थन किया। आज भारत भी क्या कर रहा है, आतंकवाद को खत्म कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो वीडियो को वापस कर दे तो बहुत यानी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है इन वीडियो को बनाने के लिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम छोटे यूट्यूबर्स हैं सर, बड़े यूट्यूबर्स पर कार्रवाई करिए ना, और जो यूट्यूबर्स उन पर कार्रवाई करिए जो गंदे गंदे कंटेंट डालते हैं। तो ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आगे हम लोग करते हैं शुरू क्लास। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक, बहुत स्पेशल टॉपिक, हर भारत के लिए स्पेशल टॉपिक है ये, और ये है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्ति जिसे भारत में नेताजी के नाम से जाना जाता था, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की नींव तोड़ दी थी। ब्रिटिश सरकार घुटने पर आ चुका था क्योंकि पहली बार उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो डंडे के बदले डंडा, बंदूक के बदले बंदूक, सेना के बदले सेना खड़ा के दिखाने का औकात रखता था। ये वो व्यक्ति नहीं था जिसने अहिंसा को अपना भगवान माना था। इनका साफ साफ कहना था कि तुम अगर देश को आजाद नहीं करोगे तो हम लड़के उसे छीन लेंगे। अब इस व्यक्ति के बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा क्योंकि आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेना चाहिए। ये है उस सम्मानित व्यक्ति में जिन्होंने आज भारत को इंडियन आर्मी जैसे
सीआरपीएफ, बड़े बड़े बटालियन जो है राजपूता बटालियन, इस तरह के बटालियन को जन्म दिलवाया, जिनके दम पर आज भारत जो है विश्व का एक महाशक्ति बन रहा है। देखिए ये व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्हें प्यार से नेताजी कहा जाता था। जन्म इनका हुआ था कटक के उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा जो है उसी का एक क्षेत्र आता है कटक, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म होता है। और इनका फैमिली बैकग्राउंड जो था वो बहुत अच्छा था, इनके पिताजी एक वकील थे, और वकील होने के साथ साथ वो जब वकील वकालत कर रहे थे, इनके पिताजी का नाम जो था वो जानकीनाथ बोस था और इनकी माँ का नाम प्रभावती था। तो जब वकील ये बने तो वकील, इनके पिताजी जो वकील थे, तो वो धीरे धीरे वकील कर रहे थे, वकीलगिरी छोड़ के धीरे धीरे वो एक अपना प्राइवेट चैम्बर खोल लिए और उससे वो वकालत करने लगे। सुभाष चंद्र बोस जो थे बीए की पढ़ाई किए थे, उनका अंतिम पढ़ाई बीए का था, ठीक है, और ये इंटर में सेकंड किए थे, क्योंकि इनका प्रॉब्लम ये था कि जब ये इनका इंटर चल रहा था तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब इनका पढ़ाई किसी तरह वो एग्जाम दिए और सेकंड डिवीजन करके अच्छे मार्क्स लाए। उसके बाद बीए में उन्होंने पूरे स्टेट में सेकंड पोजीशन में आकर के अपना नाम रोशन किया। ये बचपन से ही इन्हें सेना में जाने का शौक था, लेकिन इनकी आंखों में कमजोरी होने के कारण ये सेना में नहीं जा पाए, जिन्हें हमेशा चश्मा पहनना पड़ता था। और फिर भी उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरह वो क्या करें, इसी तरह वो इंडियन आर्मी या फिर बोल सकते ब्रिटिश जो भी उस समय सेना चल रही थी उसे ज्वाइन कर सके, लेकिन ऐसा उनको उनके साथ नहीं हो पाता है। अब कहानी कुछ ऐसा होता है कि 1938, ठीक है, 1938 को ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और अध्यक्ष बनने के साथ साथ वो क्या करते हैं कि मतलब बोल सकते हैं ऐसा कि कांग्रेस के लिए वो बहुत कुछ काम करते हैं। देखिए पहले कांग्रेस में एक साल का एक अध्यक्ष होता था और आज भी शायद वही है, तो ये प्रति साल बदलता है। तो कांग्रेस में जब उन्हें वो 1938 में थे तो उन्होंने एक अपनी साफ विचारधारा बना दी थी कि मुझे देश को आजाद करने के लिए बातों के साथ साथ लातों का भी प्रयोग करना होगा, क्योंकि अंग्रेज मान नहीं रहे थे। और इसी कारण अंग्रेजों ने 1941 में इनके खिलाफ जो था ना गुप्तचर छोड़ दिए थे, इन्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट तक दे दिया गया था कि इस व्यक्ति को अगर जिंदा रखा जाए तो यह क्या करेगा, भूचाल ला देगा भारत में। और इसी के तहत, ठीक है, इसी के तहत उन्होंने क्या किया, 1939 में अपना कांग्रेस का पद भी छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि इन पर बहुत सारा दबाव आ रहा था। देखिए 1938 में क्या हुआ कि उस समय पूरे विश्व में दूसरा विश्व युद्ध का बादल मंडराने लगा, चारों ओर दूसरा विश्व युद्ध जो था वो अब गुमान पे था कि अब तब हो जाता, और इसका पूरा फायदा वो लेना चाहते थे क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार को हानि होता, और ब्रिटिश सरकार को हानि होता तो ये क्या करना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस जी, ब्रिटिश के विरुद्ध में जो जो सेनाएं लड़ रही थी, जैसे जापान था आपका जाकर के और जर्मनी था, तो उनके साथ ये दोस्ती करके वो उनसे मदद लेना चाह रहे थे। तो इससे क्या होता कि ब्रिटिश की कमर टूटती, इधर से भी सेना मिलता और वो अपोजिट सेना भी रहता, तो दोनों क्या करता इसका सहायता करता। और इसी सहायता के तहत क्या कर रहे थे कि वो बहुत बार इन दोनों देशों का यात्रा किए, और वहाँ पर जापान ने इनका खुल के समर्थन किया, बहुत समर्थन किया, ये हिटलर से भी मिले और हिटलर से भी रिक्वेस्ट किए कि किसी तरह हमें क्या किया जाए, हमें हेल्प मिले। और तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने उनका बहुत मतलब बहुत उनको रुकने का प्रयास किया था, लेकिन वो रुके नहीं। अब वो रुके नहीं, वो लगातार लगे रहे। और अच्छा 1934 में वे किसी काम के सिलसिले में ऑस्ट्रिया गए थे। उनका मेन काम था कि उनका बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा था, तो वो उसका ट्रीटमेंट के लिए ऑस्ट्रिया गए थे, ऑस्ट्रिया। और वहाँ पर उन्हें एक इंग्लिश टाइपराइटर की जरूरत थी, तो उसी दरमियान में उनकी मुलाकात एक लेडीज से होती है जो इंग्लिश टाइपिंग बहुत अच्छा जानती थी, जिनका नाम था एमरी सेंकल। तो एमरी सेंकल जो थे उनसे उन्होंने क्या किया, विवाह किया, मतलब ब्रिटिश किसी तरह उनका दिल लग गया और उन्होंने विवाह किया। अरे सबके साथ सबका दिल लगता है, हर कोई किसी न किसी से प्यार भी करता है, कोई माँ बाप से करता है, कोई देश से करता है, और कोई फलाना ढिकाना से भी करता है। तो उनका भी दिल लगा और उन्होंने विवाह किया एमरी सेंकल से, और 1937 में उन्होंने उससे विवाह किया। 34 में उनसे मुलाकात हुई और 1937 में उनसे विवाह किया। ये जो थी एमरी सेंकल जो थी, ये बोल सकते हैं कि एक विदेशी नागरिक थी, देश की नागरिक नहीं थी, बाद में इनको देश ने अपनाया नहीं, क्योंकि यानी देश ने अपनाया इसलिए मतलब वो विदेश में ही रहती थी, देश आई ही नहीं कभी। अच्छा इनके बच्चा का नाम, इनका जो एक बेटी थी उनका नाम था अनिता बोस, अभी फिलहाल ये भी विदेश में रहती है, कभी कभार वो भारत आती है, साल में एक दो बार आती है, और अपने पिताजी के जो पुस्तैनी जगहों उनका निरीक्षण करती है। इनके कुछ रिलेटिव भी यहाँ पर हैं जो कलकत्ता में रहते हैं, शरद चंद्र बोस और शिशिर कुमार बोस, ये जो है ये शिशिर कुमार बोस उनके भतीजे हैं,
सुभाष चंद्र बोस जी का, और वो अभी उनकी जो बोल सकते हैं विचारधाराएं हैं उनको आगे बढ़ाने का पूरा काम कर रहे हैं। अब देखिए जापान और जर्मनी ये दो देश वो गए 1941 में, इन दोनों देशों का भ्रमण किया और बहुत अधिक मात्रा में हेल्प की गुंजाइश की। जहाँ जर्मनी में उनको कोई खासा हेल्प नहीं मिला क्योंकि हिटलर जो थे वो उनके पक्ष में काम नहीं कर रहे थे। मतलब हिटलर क्या कर रहे थे कि मतलब हिटलर कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले एक किताब उन्होंने बनाया था जिस किताब में ठीक है उन्होंने भारतीयों के लिए कुछ गलत लिखा था, और इस चीज़ से क्या हो रहा था कि मतलब सुभाष चंद्र बोस ने इसके बारे में भी उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों लिखा, तो हिटलर ने उसके लिए माफ़ी मांगा कि हाँ मेरे से गलती हुई है लेकिन मैं इसको अगले जो प्रकाशन करूँगा अगला जो किताब बनाऊंगा उसमें मैं इसे लिख दूंगा, और उन्होंने किया भी था। और हिटलर से उन्हें कोई खास सहायता नहीं मिली तो वो इसके लिए जापान गए, जापान में उन्हें बहुत अच्छा समर्थन मिला, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा समर्थन मिला, और 1941 में जापान की सरकार ने उन्हें वहाँ रहने का अपने सेना को बढ़ाने का पूरा अधिकार दे दिया, और साथ ही साथ उनकी जो सेना बन रही थी उनकी सेना का नाम था आज़ाद हिंद फौज, तो ये सेना जो बन रही थी इस सेना को फुल्ली रूप से ट्रेनिंग देने का काम जापानी सेनाओं ने किया, बड़े बड़े कमांडरों ने इसमें अपनी सहायता किया, खाना पीना सब कुछ उनका मेंटेन किया, रहने उन्हें टेंट टूंट जो भी बनाना था आज़ाद हिंद फौज के लिए जापानी सरकार ने बहुत अधिक हेल्प किया, क्योंकि जापान भी जानता था कि ब्रिटिश को हराना है तो वहाँ के मैन लोकल लोग को अपने हाथ में लेना होगा, तभी जाके क्या होगा कि हम ब्रिटिश को हरा पाएंगे। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत अच्छा काम किया था कि उन्होंने यानी उनके जस्ट अपोजिट वाले बोल सकते हैं लोगों को लेकर के क्या किया था, सेना का मनोबल बढ़ाया था आज़ाद हिंद फौज का। देखिए आज़ाद हिंद फौज जो है ना ये कोई मामूली सेना नहीं थी, ये बहुत ही घातक सेना थी। इसमें पहली बार इंडियन विंग्स को बोल सकते हैं महिलाओं को शामिल किया गया था, महिलाओं की अलग टोली बनाई गई थी, अलग बटालियन बनाया गया था, और आज इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारी इंडियन सरकार जो है जितने मरीन्स हैं जितने मार्कोस है एनएसजी है उनमें महिलाओं को ले रही है। तो देखिए सिंगापुर टाउन हॉल में ठीक है 5 जुलाई 1943 को इनका पहला ये हुआ सम्मेलन हुआ जिसमें साफ तौर पर आज़ाद हिंद फौज का गठन कर दिया गया। इसके लिए पहला बार वहाँ दिल्ली चलो का नारा लगाया गया, क्योंकि वहाँ पर पहली बार एक ऐसा पार्टी उभरा था ठीक है सिंगापुर में जो आज़ाद हिंद फौज का लाया, जिसमें 11 देश जिसमें जर्मनी था जापान था चीन था उसके बाद इटली था और आपका जाके कोरिया जैसे कई 11 देशों ने बड़े बड़े ताकतवर देशों ने क्या किया था उस समय, ये सब देश बहुत ताकतवर होते थे अभी भी कुछ देश ताकतवर हैं, उस समय इन देशों ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया, 11 देशों ने पूरा मान्यता दे दिया कि हाँ आज़ाद हिंद फौज एक बटालियन है एक ग्रुप है आर्मी का जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया अपना पहला युद्ध ठीक है अपना पहला युद्ध लक्षद्वीप में किया और कुछ टापुओं पे किया जहाँ पे उन्हें जीत हासिल हुई। 1944 यानी 4 अप्रैल 1944 को उन्होंने कोहिमा में भी युद्ध किया लेकिन किसी कारणवश वहाँ पर जापानी सेना आज़ाद हिंद फौज की हेल्प नहीं कर सकती है, उन्हें वापस बुला लिया जाता है अपने कैंपों में क्योंकि उस समय विश्व युद्ध जो था वो अपने चरम सीमा से लो हो चुका था डाउन हो चुका था ठीक है अपनी चरम सीमा से डाउन हो चुका था, तो इसीलिए जापानी सेना इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रही थी, और इस इंटरेस्टेड नहीं होने के कारण भारतीयों को या फिर बोल सकते आज़ाद हिंद फौज को कुछ समय तक इसके लिए पीछे रहना पड़ा ठीक है। और इसके बाद जो था रंगून से ठीक है सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी से आशीर्वाद और कुछ विशेष मांगा कुछ सपोर्ट मांगा कि आप सपोर्ट करिए हमारे हमारी सेना यहाँ फंस चुकी है, और अब वो सपोर्ट किए नहीं किए ये तो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जापान में 18 अगस्त को उन्हें बहुत अधिक मान इज्जत दिया जाता है, 18 अगस्त को उनके यानी बोल सकते हैं जापान में उनके लिए यानी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, हर वर्ष 18 अगस्त को जापान में सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, जिस तरह आज हम लोग महात्मा गांधी के लिए भगत सिंह के लिए करते हैं ना शहीद दिवस ये सब करते हैं, उसी तरह जापान में उनके लिए सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत बड़े मात्रा में सामूहिक आयोजन किया जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें कि इसका अगला स्टेप जो होता है तो 75 वर्ष बाद मतलब कि देखिए आज का समय में आपको ये रहस्य अभी तक बना हुआ है कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। देखिए ब्रिटिश सरकार ने 1941 में इनके पीछे गुप्तचर लगा दिए थे, अपने इंटेलिजेंस ब्यूरोज को लगा दिया था कि इसको यहाँ देखोगे खोजो और मारो, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा ताकत बन गया था और उसके दिमाग में खटक चुका था, और इस खटकने के कारण
बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ था, इनके दुश्मन पनपने लगे थे। देखिए इसमें कुछ राजनेता थे, भारतीय राजनेता थे जो शामिल थे इनको मरवाने में, लेकिन इनकी इनके परिवार जो है उन्होंने 1945 में ये साफ साफ कह दिया कि उनकी मृत्यु जो है वो नहीं हुई थी, उनकी मृत्यु 1941 में नहीं हुई थी या 1945 में नहीं हुई थी, उनके परिवार ने ये कहा। और इसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में कई बार पिटीशन जारी किया कि ठीक है अगर मृत्यु हुई है तो उसका दस्तावेज को क्या किया, आम जनों तक पहुंचाइए, सार्वजनिक करिए। और इसका जो था दस्तावेज को सार्वजनिक करने के लिए यहाँ पर कलकत्ता में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये किया गया, मतलब जरूर इसका समर्थन किया गया कि हाँ इसको आप लोगों को सार्वजनिक करना होगा। कोई भी महान इंसान अगर मरता है तो उसके दस्तावेजों को क्या किया जाता है, सार्वजनिक किया जाता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है। तो ये चीज़ का पता लगाने के लिए क्या किया गया कि एक याचिका दायर की गई कलकत्ता हाईकोर्ट में कि इस सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई है उसके लिए एक क्या किया जाए, एक कमेटी का, एक पीठ का गठन किया जाए और उसकी उससे जुड़े जितने दस्तावेज है उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाए। देखिए कुछ इंटरनेट में कुछ ऐसे भी न्यूज आए जहां पर एक बेनामी बाबा नाम के लोग को जाना गया है जिन्हें 10 साल 15 साल 20 साल के दरमियान में देखा गया, जो जिनके पास बहुत ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो सुभाष चंद्र बोस के दस्तावेजों से मैच खाते हैं। वो अभी भी मतलब उनके एक कुटिया में, एक आश्रम में उनके बहुत सारे ऐसे कागजात मिले हैं जो आजाद हिंद फौज से जुड़े हैं, कुछ लेटर्स मिले हैं जो आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए हैं। तो ये अभी भी रहस्य है, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है कि किस तरह उनकी डेथ हुई, किस तरह से उनका मृत्यु हुआ। लेकिन उनके परिवार ये कहते हैं कि 1940 या 1945 के बाद 1945 के बाद ही रूस में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था, उन्हें कहीं निकलने नहीं दिया जा रहा था, उनके चारों उनके पास घेरा लगा दिया गया था क्योंकि इससे ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा हानि हो रहा था। अब इसमें कुछ और हम लोग तथ्य को बताते हैं हम आपको। देखिए 49वीं आपका जाकर के बंगाल ये था जो रेजिमेंट था उनमें ये जाना चाहते थे, ये बचपन से आपको बोल चुका हूँ कि ये बचपन से क्या कर रहे थे कि फोर्स में जाने के लिए उत्सुक थे। तो 49वीं बटालियन जो बंगाल बटालियन था उसमें ये जाना चाहता था लेकिन इनको उससे निकाल दिया गया था। तो इसी से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, आजाद हिंद फौज का गठन कर दिया और 1938 और 1939 के बीच इन्होंने कांग्रेस का रुख ही बदल दिया था। महात्मा गांधी इससे बहुत ज़्यादा विरोध में थे, महात्मा गांधी ये चाहते थे कि 1939 के बाद एक ऐसा नेता बने, क्योंकि महात्मा गांधी हेड थे तो वो चाहते थे कि एक ऐसा नेता कांग्रेस को संभाले, प्रतिनिधित्व करे जो हिंसा ना फैलाए, अहिंसावादी हो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने हवा की लहरों को पकड़ लिया था, वो जान चुके थे कि अगर यही समय है विश्व युद्ध के समय ही हम लोग इंग्लैंड को या ब्रिटिश सरकार को कमजोर कर सकते हैं। और उन्होंने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे ही 1939 में दोबारा क्या किया जाए, चुना जाए। उसके साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर और सत्येंद्रनाथ बनर्जी और कितने लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया कि महात्मा गांधी से कि सुभाष चंद्र बोस को ही अगला हम लोग का फिर से मुख्य अध्यक्ष चुना जाए कांग्रेस का, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं माना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1502 सीटों पर फिर से क्या हुआ, मत हुआ कि किसको बनाना चाहिए। आपको ये जानकर गौर करना होगा, एकदम आश्चर्य होगा कि 1372 सीट खुद सुभाष चंद्र बोस ने जीत लिया था। उसके बाद महात्मा गांधी अपने जीत पर अड़े रहे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इनको हम नहीं बनने देंगे। महात्मा गांधी द्वारा जो व्यक्ति चुना गया था वो पट्टाभी सीतारमैयन था जिन्हें वो बनाना चाहते थे, लेकिन सभी का समर्थन 1372 लोगों का समर्थन किसके तरफ था, सुभाष चंद्र बोस के तरफ था। महात्मा गांधी ने ये जानते हैं क्या कहा, साफ साफ कमेंट पास कर दिया, साफ साफ कह दिया कि जिनको कांग्रेस में रहना है वो मेरी बातों पे चलेंगे, बाकी सब कांग्रेस से निकल जाएंगे। 15 सीटों पे 12 सीट जो था वो पूरा सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट में था। सुभाष चंद्र बोस ने कई सारी यात्राएं की, कई बार महात्मा गांधी को समझाने का कोई प्रयास किया कि वहां से मुझे ले लीजिए, मैं चाहता हूं कि इस मौके का हम लोग पूरा फायदा उठाएंगे। और सही में अगर वो मौका रहता ना तो उसी समय भारत आजाद हो जाता, क्योंकि उस समय पूरा जापान और बहुत देश भारत का साथ दे रहे थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दे रहे थे, ब्रिटिश सरकार ऑटोमेटिक उसका आर्थिक स्थिति कमजोर था। लेकिन महात्मा गांधी ने ये स्टेप उठाने नहीं दिया, जिससे प्रभावित होकर के हमारे सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, एक नए बोल सकते हैं घातक कमांडर बने और एक घातक सेना का नेतृत्व किया जिसका नाम आजाद हिंद फौज था। देखिए 21 अक्टूबर 1947 को ये जो फौज बना ना, तो ये फौज ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया, क्योंकि पहली बार विदेशी जमीन पर कोई ऐसा देश अपने आप को तैयार कर रहा था जो गुलाम था, जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। और जापान इसमें जितना मदद किया उसकी तारीफ मतलब कितनों भी कर लीजिए कम है,
बहुत खुल के तारीफ किया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें वापस आना पड़ा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बोलते हैं इनका जो अभी है हाल फिलहाल में, ठीक है, लगभग 2018 में हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी कई चीजों को सार्वजनिक किया और साथ ही साथ इनकी 125वीं जन्म जयंती के तहत एक दिवस को चुना और उस दिवस का नाम है, मतलब इनके जन्म दिवस के आधार पे एक दिवस को चुना जिस दिवस का नाम है पराक्रम दिवस। हर वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है इससे सुभाष चंद्र बोस की याद में, और लाल किले में उन्होंने झंडा फहरा करके इसका आगाज किया। देखिए हमारी सरकार जो है वो चाहती है कि सुभाष चंद्र बोस की घटनाएं लोगों को पता चले, उन्हें पता हो कि इस देश को आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस जैसे कितने महान शहीदों ने अपने जानों को कुर्बान किया, कितनी यातनाएं की है। ये ऐसे व्यक्ति थे ना जिन्होंने झोला लेकर के, जिन्होंने कष्ट करके अपने हर देश में जाकर के हेल्प मांगा, उस देशों से हेल्प मांगा जो इनका हेल्प कर सकते थे, कभी सबमरीन में बैठ के, कभी यहाँ कभी वहां जाते थे ताकि कोई ना कोई देश क्या करे, देश को, हमारे देश को आजाद करने के लिए तैयार हो। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ देश ने किया, कुछ देशों ने नहीं किया, और सुभाष चंद्र बोस को ये पूरा अच्छा से पता था कि देश को आजाद कराने के लिए हमें अगर कलम की जरूरत है तो तलवार भी उठाना होगा, नहीं तो आज के समय में यह मुमकिन नहीं होगा। तो इस तरह से आज हम लोग क्या जाने कि सुभाष चंद्र बोस ने कितनी यातनाएं की थी देश को आजाद कराने के लिए, और आशा करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जो भी घटनाएं थी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, और जहां तक मेरे से हो सका मैंने इनके बारे में बताया। देखिए इनका जीवन एक रहस्यमय जीवन था, इसलिए इसके बारे में मुझे जितना पता था मैंने आप तक पहुंचाया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं लाइक करिए, और YouTube वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो वीडियो को आप रिटर्न दे सकते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि वो बस शिक्षा के पर्पज से था, मैं कुछ उसमें नोटिस डाल दूंगा कि ये सिर्फ शिक्षा के लिए है, इसका कोई भी गलत यूज ना करें, और जहां तक रहा उसको मेड फॉर किड है तो उसमें मेड फॉर यंग कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉरवर्ड करते जाइए। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।